स्वागत है आयशा की दुनिया में। होप आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। जो नहीं चैनल पे वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस, आज का सीन ऐसा है कि मूसा के पापा तो चले गए, मूसा स्कूल गए। आज मूसा का एग्जाम है, उसके पीरियोडिक टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। पता नहीं कौन कौन से टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं स्कूल वालों के, और एक हफ्ते तक लगातार चलेंगे। तो आज हमारे पास कुछ काम नहीं है, मतलब काम इन दस सारा काम से हुई हूँ फारिक, सफाई वगैरह हो गई है। सो गाइस, परसों रात से हमारा ना वाईफाई काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मैंने समझो अपने हस्बैंड के इंटरनेट से वाईफाई से मतलब कनेक्ट करके दो दिन से अपलोड कर रही हूँ वीडियो, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है। और आज तो मैंने सुबह 9 बजे अपलोड करी है अपनी वीडियो, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है और वाईफाई वाला आने रहा कोई सही करने के नहीं है, बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो बस मैं जितना हो पा रहा उतना मैं शूट कर रही हूँ, क्योंकि आईफोन के अंदर वाईफाई के बगैर शूट भी नहीं होता, क्योंकि स्टोरेज एकदम फुल दिखाने लग जाता है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो आज हम पे नेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आज हमने सोचा हम घर की सारी अलमारियाँ संगवाएंगे, जैसे कि सबसे पहले मैं संगवाऊंगी इन बच्चों की। स्टार्ट कर दिए मैंने, हयात के सारे कपड़े देखे फैले हैं और हयात बैठ के बस देख रही है और ये कह रही है मम्मा ये वाला मैं अभी पहनूंगी, ये वाला कल पहनूंगी, है ना। तो सो गाइस, कपड़े वपड़े जल्दी से संगवाते हैं। मूसा के संगवाएंगे इसके बाद इनके पापा के संगवाएंगे, और अगर टाइम मिला तो अपनी संगवाएंगे, वरना मेरी को अपनी करने का भी कोई भी इरादा नहीं है। तो जल्दी जल्दी से संगवाते हैं। सो गाइस, फाइनली हो गया है सब काम। देखें, ये तो हयात की, मूसा की और इनके पापा की सब हो चुकी हैं। सॉक्स के लिए मैंने ना शूज़ का ये बॉक्स है ऐसे रख दिया है ताकि ढूंढने में इजी हो। तो आप लोग भी ऐसे इसको DIY कर सकते हो, कोई भी शूज़ बॉक्स हो उसे छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए, गारमेंट्स वगैरह के लिए आप ऐसे बॉक्स यूज़ कर सकते हो, अलग से मंगाने की ज़रूरत नहीं है। और टाइम देखिए क्या हो रहा है, 1:30 बज रहा है, 12:30 बजे लगी थी मैं यू नो 12:30 बजे, और अब जाके फारिक हुई हूँ। अब जल्दी से शावर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हयात हो गई है रेडी नहा धो के, बस अपने हेयर ड्राई कर रही हैं आप देख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में बाल बहुत देर में सूखते हैं, तो ये अपने हेड ड्रायर से करते हैं। कुछ हो गए अभी नहीं हुए। फ्रेश हो चुके हैं, नमाज से कुरान शरीफ से हो गए फारिक, और अब खाना वाना भी मैंने खा लिया है, अभी जस्ट खा के ही निपटी हूँ। और आज हमें ना जाना भी है एक प्रोग्राम में, लेट्स सी अभी तो कच्चा पक्का है जाएंगे कि नहीं, बट आज मेरे फ्रेंड के भाई की बारात है तो लेट्स सी जाते हैं कि नहीं। और अभी थोड़ी देर बैठते हैं, और ये थोड़ा सा देखो आप हील होने लग गया है, और इसको मैंने कैसे इतनी जल्दी सही करा है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपको कमेंट करके पूछना होगा कि आपको उस क्रीम के बारे में जानना है जिससे मैंने ये निशान हटाया, क्योंकि आप देख सकते हो कितना अच्छा और कितनी जल्दी इफेक्ट आया, बस थोड़ा सा रह गया वो भी जल्दी चला जाएगा। तो अगर आपको जानना है वो क्रीम कौन सी यूज़ करी तो प्लीज़ डू कमेंट। तो थोड़ी देर बैठते हैं, फिर मिलते हैं। सो गाइस, मगरिब की अजान होने वाली है, और आपको जैसे मैंने बताया था कि मेरा कच्चा पक्का है आज बारात में जाने का, लेकिन अब बिल्कुल कंफर्म हो गया है। तो कपड़े निकालने में इतना टाइम लग गया, फिर उन्हें ढूंढा, ढूंढने के बाद उन्हें प्रेस करने में इतनी हेल्प का, क्योंकि जो ड्रेसेस होती हैं ना वो बहुत ही हैवी वाली, उस दिन प्रेस करने में इतनी हालत ख़राब होती है कि मुझे आधा घंटा लगा था अपनी ड्रेस प्रेस करने में। आपको दिखाती हूँ मैं क्या पहन रही हूँ। आज मैं पहनने वाली ये वाली ड्रेस, ये पाकिस्तानी ड्रेस है, ये फुल भरी हुई अनार का ली है, तो बाकी आप इसका लुक मेरा पहनने के बाद ही देख पाएंगे। तो कुछ इस तरीके से मूसा पहनेगा ये शर्ट, बस हम दोनों के अभी कपड़े डिसाइड हुए, हयात के अभी डिसाइड नहीं हुए। तो चले गए, थोड़ी देर बैठते हैं और रेडी होती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी, लेकिन मैं रेडी होने से पहले और हेयर स्टाइल बनाने से पहले मैंने सोचा मैं आपको हेयर स्टाइल जो बनाऊंगी वो दिखा दूं, क्योंकि लास्ट टाइम एक कमेंट आया था कि आप अपना हेयर स्टाइल भी बताया करें कैसे बनाती हैं। तो मैं आज वही हेयर स्टाइल जो बनाने वाली हूँ, सिंपल है, बहुत ईजी है, वही बना के आपको दिखाते हैं। चलो बनाते हैं। सो उसके लिए बेसिकली हमें चाहिए ये पफ, इस तरीके से आपको कहीं भी मिल जाएंगे मार्केट में, ये पफ होते हैं और इस तरीके की जूड़ा पिन है, तो ये चाहिए बस। सो गाइस, पार्टी और पार्टी गेस्ट हेयर स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप कॉम कर लें अपने उलझे बालों को,
जैसे कि मैं कर रही हूँ। ये थोड़ा मैंने फास्ट मोड में आपको दिखाया है, थोड़ा लेट लेट कर रही हूँ मैं, इतनी जल्दी जल्दी नहीं काटती वरना रहे सहे गिनती चुनती के वो भी निकल जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले इसे पार्टीशन कर लें और आगे से जो फ्लिक्स हैं आपकी वो निकाल लें, इफ़ हैं तो, नहीं है तो पूरे एक साथ लें। मेरे आगे की फ्लिक्स हैं कटी हुई, फ्लिक्स बोलते हैं आगे की लटों को गाइस, उन्हें फ्लिक्स बोलते हैं। और ये मैंने ऐसे निकाल के पार्टीशन करा है पीछे से, और ऐसे आप देखें बिल्कुल इक्वली पार्ट में डिवाइड कर लें और ऐसे करके ये ले लें। उसके बाद जो मैंने आपको पफ दिखाया था, इसे सब ऊपर से लेते हुए ऐसे राउंड राउंड घुमाते हुए जाना है। कोई बात नहीं गाइस, इधर उधर हो जाता है थोड़ा वो, लेकिन आपका बाद में सेट हो जाएगा। आपको ऐसे घुमा कर इन्हें ऐसे लगा लेना है, और उसके बाद इसके अंदर जो जूड़ा पिन मैंने आपको बताई थी वो साइड बाय साइड आप लगाते रहोगे, ये फिक्स होता रहेगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो गोल गोल घुमाने के बाद आपने इसमें जो जगह बची रहेगी ना, उसे एक हाथ से पकड़े रहें बालों को और जूड़ा पिन से अंदर डालते हैं। जूड़ा पिन जो है ना पफ के अंदर बहुत ही ईजिली चली जाती है गाइस, आप बिल्कुल मत सोचना कि चुभेगा, कुछ नहीं पता चलेगा, और बाल एकदम परफेक्टली पफ बनेगा आपको, बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बनेगा पफ से ना। इस पफ से बहुत तरीके के हेयर स्टाइल बनते हैं, एक दो मैंने आपको दिखाई रखे हैं, मतलब करके नहीं दिखाए थे लेकिन मैंने जब उनको कैरी कर रहा था तो दिखाए थे। आज थोड़ा डिफरेंट सा हेयर स्टाइल होगा तो आप देखते रहिए। सो गाइज ऐसे करके आप सारे जूड़ा पिन से अपने बालों को अच्छे से सेट कर लें। और एक टिकटॉक पिन आता है इस तरीके से का, बच्चों भी लगाते हैं इस तरीके से, टिकटॉक पिन कहते हैं उसको, जो बाल पीछे की साइड है आप उन्हें उससे सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि जूड़ा पिन सिर्फ सेलेक्ट होके मतलब पीछे ही साइडों में लगा के आप जूड़े को सेट कर सकते हो, मतलब पफ को सेट कर सकते हो, बट इस पिन से ना जो मतलब आप जो ऊपर के बाल हैं पीछे जाके वो सिक्योर इसी पिन से होंगे। और यहाँ पर मुझे मेरा जो टिकटॉक पिन्स थे वो मिल नहीं रहा, एक ही मिला था तो मैं ड्रेसिंग टेबल में उसे ढूंढ रही थी, पर थैंक गॉड मिल गए, दो मिल गए। अब मैं एक इसे लेफ्ट साइड लगाऊंगी, एक राइट साइड लगाऊंगी और एक मिडिल में लगाऊंगी, पीछे का मैं दिखा नहीं पा रही पर आप लोग समझ जाएगा। तो थोड़े से बाल ऐसे लेके आप अपने जो पफ को ना इकसार कर देंगे, कि बीच में आया हुआ है तो वो थोड़ा बुरा लगेगा ऐसे, तो आप इसको ना सिक्योर कर लेंगे इस टिकटॉक पिन से, इजी रहता है। जो नॉर्मल पिन होते हैं बॉबी पिन करके जो बोलते हैं, उनसे अच्छा ही टिकटॉक पिन रहते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल भी रहते हैं, बाल चुभते भी नहीं है। तो आप देख रहे हो हमारा बेसिक जो हेयर स्टाइल है वो हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगी, कर्ल करने वाली हूँ बालों को, तो कर्ल करना कोई ऐसा डिफ़िकल्ट पार्ट नहीं है। तो मैं ऐसा ना आगे के बालों को करने वाली हूँ कलर, मैं ये बता रही हूँ आपको कि ध्यान से करिए, लास्ट टाइम इसी चीज़ से मेरे बाल फॉरहेड जल गया था इसी वजह से। तो मैं इस तरीके से उल्टी पकड़ लेती हूँ आपको रॉड, और जो ऊपर का इसका हिस्सा है वो ऐसे करके गोल राउंड लेते हुए ऐसे घुमाते हुए नीचे लेकर आना है, उससे अपने आप ही आपका हेयर स्टाइल आगे का बन जाएगा, मतलब कर्ल होकर बहुत अच्छे से सेट होंगे। आप देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। इस बार मैंने थोड़े लेस हेयर लिए, लास्ट टाइम मैंने थोड़े ज़्यादा लिए थे तो थोड़ा ब्रॉड लुक आ रहा था, मतलब और हैवी बाल लिए थे तो हैवी वाला लुक आ रहा था, पर इस बार मैंने थोड़े कम हेयर्स लिए तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट लुक आया, क्योंकि लुक्स बदलते रहने चाहिए। और मैंने यहाँ पर ला के इन्हें कर्ल कर लिया है, तो आप देखें कितने प्यारा लग रहा है। अभी तो सिर्फ आगे ही कर्ल ही करें, सारे नहीं करें, लेकिन बहुत ही बहुत अच्छा हेयर स्टाइल बना था आज का मेरा। तो मैं इसको दोबारा से सिक्योर करूँगी क्योंकि वो प्रॉपर नहीं हो पाया था, तो फिर से उल्टा लेके मैं इसको गोल गोल घुमाते हुए थोड़ी देर रखूँगी और छोड़ दूँगी। आप ध्यान दो इस बात पे, आप रिपीट करके प्रोसेस देख सकते हो रिवर्स करके, तो आप सबको समझ में आ जाएगा। देखो कितने प्यारे गोल्स आगे किए हैं और बुरे भी नहीं लग रहे। वो जो नॉर्मल लोग लटेसी गोल गोल करके ले आते हैं वो मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगती हैं, इसलिए मैं इस तरीके के करती हूँ। और ये बहुत अच्छा सा लुक भी देते हैं, थोड़ा सा ना डिसेंट लुक देते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं जो साइडों से छल्ले कलमों के पास से निकाल लेती हैं कुछ लेडीज़ें, तो इससे अच्छा देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो अब मैं बाकी के हेयर जितने हैं उनको कर्ल कर लूंगी। रेडी, देखें हेयर स्टाइल
मेरा आपको कैसा लगा होगा कमेंट करके बताना। आज मैंने ना थोड़ी सी इमिटेशन ज्वेलरी पहनी है, मीन्स आर्टिफिशियल, गोल्ड नहीं पहना है क्योंकि ना काफ़ी टाइम से गोल्ड पहन रही हूँ। मैंने क्या कुछ यूनिक करती हूँ, तो मैंने ये ब्रेसलेट सब कुछ सिल्वर सिल्वर मिला है और ये मुझे कोइंसिडेंटली सेट मिल गया बिल्कुल ही मैचिंग का। और मैंने ये इयररिंग अभी ही लिए थे, इयररिंग पहने, तो आप लोग जरूर बताना मेरा ये लुक आज का कैसा लग रहा है गाइस। बाकी चलते हैं शादी में, मूसा पढ़ रहा है, कल उसका एग्जाम है तो उसकी ट्यूटर आई हुई है, पढ़ के हैगा फिर हम जाएंगे। इतने मेरे हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं, हम मैं और हयात रेडी हैं, सब रेडी हैं, मूसा को भी रेडी करके पढ़ाने बिठाया मैंने। तो वही चलते हैं शादी में, शादी नहीं है आज है बारात, कल है वलीमा। आपको सारे शोज मिलेंगे हर एपिसोड में, प्लीज़ बिल्कुल भी मिस ना करें। सो गाइस ये है मेरा आज का लुक, किस तरीके से मैंने आज कैरी करा है और इस तरीके से मेरा हेयर स्टाइल है, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा। सो गाइस यहाँ पे ना मूसा के भी फैन आ गए थे, तो वो उनसे शर्मा रहे थे, मूसा के साथ फोटो खिंचवाने के लिए उनकी मम्मी इतना इंसिस्ट कर रही थी उनको, तो काफ़ी सारे लोग मिले वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर। आयशा की दुनिया और दोनों का ध्यान रखना, कैसी है।
अपना इंतजाम खुद कर कर आए शादी में। क्या चाहिए? मुझे आइसक्रीम। आइसक्रीम देखो यही होगी। क्या कर दिया? बताओ अपनी परेशानी, बताओ दुनिया को। बड़ी बड़ी बहनों का यही काम होता है। स्पून दे दीजिए। स्पून खाना वगैरह खा लिया है। अब आपको मैं दिखाती हूँ जुलन से मिलवा। जुलन की जगह बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है। खाते हैं ना फोटो अदीबा के फ़ोन से ले लेंगे हम लोग दुल्हन। यहाँ पे जो मैं मांग रही हूँ ये ब्लू थैली जिनके पास है वहाँ से निकाह की थैली मांग रही हूँ। तो ये निकाह के बाद हमारे यहाँ बटती है, निकाह की थैली बोलते हैं इसको। इसके अंदर छुआरे वगैरह सब होते हैं। खाना वाना खा लिया है, साइड में आके थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिया। दुल्हन आ चुकी है, इधर आप देख चुके हो दुल्हन में लगे हुए। तो निकाह हो चुका है, निकाह के बाद सती की तैयारी होती है। हो सकता है जल्दी चले जाए, सती तक ना रुके, बट लेट्स सी क्या होता है। बाकी मौसम अच्छे चल रहे हैं, खाना पीना भी बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया।
फाइनली आ गए हैं घर पर और बहुत थक चुकी हूँ। बहुत पूरा बस ये सब रिमूव करना है, बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा है। बहुत मज़ा आया, बहुत सारे लोग मिले, सब्सक्राइबर मिले शादी में, सब ने भी पहचान लिया। आयशा की दुनिया सब ये कर रहे थे। मूसा हयात को भी सब ने मिलाया, पहचाना। माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ा आया और अच्छा लगता है जब कोई आप मेहनत करो और वो सफल हो, तो इसलिए मुझे बहुत बहुत मज़ा आया। थैंक यू ऑल जो भी मुझे शादी में मिला था और जिससे मैं मिल पाई और जिससे नहीं मिल पाई उसके लिए सॉरी। तो बहुत मज़ा आया, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार देते रहे और मुझे आगे बढ़ाते रहे। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। होप आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।